बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को साउथ फिल्म इंडस्ट्री से कड़ी टक्कर मिल रही है, जबकि मैं तो यूं कहूंगी कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के कंपेयर में कई गुना अच्छा काम कर रही है। जहां आजकल हर मूवीज चैनल पर हिंदी डब्ड साउथ मूवीज दिखाई जाती है, तो वही यूट्यूब पर साउथ मूवी को देखने वाले दर्शकों की तादाद भी बढ़ी है। लोगों का रुझान अब साउथ मूवीज की तरफ होने लगा है और वो साउथ के हीरोज को अपना आइडल मानने लगे हैं। आलम तो ये है कि लोग अब KGF चैप्टर 2 और पुष्पा द राइज मूवी के ट्रेलर और टीजर का भी बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं। जो बॉलीवुड पहले साउथ के हीरोज को काम नहीं देता था, वही अब साउथ की मूवीज का रीमेक कर पैसे बटोर रहा है और साउथ फिल्मों के हीरोज और डायरेक्टर के साथ में काम करना चाहता है। इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों को डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। पहली भारतीय मूक फिल्म जो कि मराठी भाषा में थी, वो राजा हरिश्चंद्र थी, जिसका निर्माण दादा साहब फाल्के द्वारा किया गया था। तमिल भाषा की पहली मूक फिल्म कीचकवदम थी, जिसका निर्माण रंगास्वामी नटराज मुदालियर ने किया था। पहली भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा और पहली दक्षिण भारतीय बोलती फिल्म कालिदास थी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने फिल्म चंद्रलेखा के साथ पूरे भारत देश में शोहरत हासिल की। 1940 के दशक के दौरान पूरे भारत के सिनेमा हॉलों में से आधे से ज्यादा सिनेमा हॉल दक्षिण भारत में थे। पहली कन्नड़ टॉकी सतीश रोशना और पहली मलयालम टॉकी बालन। बॉलीवुड में रीमेक का दौर तो पहले भी था, लेकिन तब भी वो सीमित मात्रा में होता था। आजकल तो बॉलीवुड की आने वाली हर नई फिल्म या यूं कह सकते हैं कि हर सुपरहिट फिल्म किसी न किसी फिल्म का रीमेक होती है। सन 1967 में आई राम और श्याम, जिसमें दिलीप कुमार, वहीदा रहमान और मुमताज लीड रोल में थे, वो भी एक तेलुगु फिल्म की रीमेक थी। और अब हम नजर डालते हैं साउथ इंडस्ट्री की उन मूवीज पर जिनकी बॉलीवुड में रीमेक बनी है। बॉलीवुड ने साउथ की मूवीज को हूबहू उठाकर कॉपी पेस्ट किया और आपके सामने एक नई मूवी बनाकर पेश की गई और जनता को मूर्ख बनाया गया कि बॉलीवुड ने इस साल इतनी सुपरहिट फिल्में दी हैं, जबकि वो फिल्में किसी ना किसी मूवीज की रीमेक होती हैं। आमिर खान स्टारर मूवी गजनी, जिसने लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी थी, वो एक तमिल फिल्म गजनी का रीमेक थी। सलमान खान, जिनके डूबते हुए कैरियर को एक सहारा दिया था हाई थ्रिलर एक्शन मूवी वांटेड ने। जिस मूवी के आने से पहले लग रहा था कि सलमान खान का बॉलीवुड में कैरियर खत्म हो चुका है, उस फिल्म वांटेड ने सलमान खान के कैरियर को फिर से बुलंदियों पर पहुंचा दिया, जो कि एक तमिल फिल्म पोकरी की रीमेक थी। इसके बाद में रेडी, बॉडीगार्ड जैसे अनेक फिल्में सलमान खान ने करी, जो कि भी साउथ फिल्म का रीमेक थी। सलमान खान की अभी हाल ही में फिल्म आई थी राधे, जिसमें एक सॉन्ग था सिटी मान, जो कि अल्लू अर्जुन स्टारर मूवी डीजे का रीमेक था। यानी पहले साउथ की मूवीज कॉपी कर लो, अब उनके सॉन्ग भी कॉपी पेस्ट करने लग जाओ। अक्षय कुमार की मूवी भूल भुलैया, राउडी राठौड़, हेरा फेरी, हलचल 2, लक्ष्मी बॉम, गरम मसाला, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, ये सब भी साउथ इंडस्ट्रीज की मूवीज का रीमेक है। अजय देवगन, जिनको आप सिंघम के नाम से जानते हैं, वो मूवी एक तमिल फिल्म सिंघम का रीमेक है। यानी अगर तमिल फिल्म सिंघम नहीं बनती तो अजय देवगन कभी भी सिंघम नहीं कहला पाते, क्योंकि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री तो सिंघम और दशम जैसी स्टोरी नहीं लिख सकता है। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी ने अभी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया है और उनकी पहली फिल्म है तड़क, जो कि तेलुगु फिल्म RX100 की रीमेक है। अब हम बात करते हैं शाहिद कपूर की, जिनका करियर तो केवल रीमेक के भरोसे ही चल रहा है। पहले कबीर सिंह, जो कि तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की रीमेक थी, और अब जर्सी, जो कि तेलुगु फिल्म जर्सी की रीमेक है। और मुझे नहीं लगता कि अगर किसी ने नानी स्टारर जर्सी मूवी देखी है तो वो सेम इसी स्टोरी, सेम डायलॉग और सेम सीन के साथ में किसी और हीरो को नानी की जगह देखना चाहेगा, क्योंकि नानी की एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि मैं तो किसी और हीरो की कल्पना भी नहीं कर सकती। और वैसे मेरी राय में अगर आपको किसी मूवी की स्टोरी पहले से पता हो तो सेम उसी स्टोरी के साथ में अब वही मूवी सिनेमा घरों में देखने क्यों जाएंगे। हालांकि ये लिस्ट बहुत लंबी है, पर ये कुछ ही साउथ मूवीज की लिस्ट है जिनका बॉलीवुड में रीमेक किया गया था। आप वीडियो को स्टॉप करके इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। बाहुबली मूवी, जिसने साउथ इंडस्ट्री को एक अलग मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था, वह ऑल ओवर रिलीज की गई थी। लेकिन अगर बाहुबली मूवी केवल साउथ इंडस्ट्री में भी रिलीज की जाती, तब भी बॉलीवुड उसके रीमेक बनाने के बारे में कभी नहीं सोच सकता था, क्योंकि उस फिल्म की एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, VFX, डायलॉग, ये सब बॉलीवुड के बस की बात भी नहीं थी। अभी हाल ही में रिलीज हुई जय भीम, जिसको भी पैन इंडिया पर रिलीज किया गया था, वो फिल्म सुपरहिट रही और साथ ही साथ बॉलीवुड के रीमेक बनने का सपना भी चकनाचूर हो गया। दूसरी फिल्म जिसका सब लोग सबरी से इंतजार कर रही हैं, पुष्पा द राइज, वो भी पैन इंडिया पर रिलीज होगी 17 दिसंबर को। RRR मूवी, जिसमें रामचरण और जूनियर NTR लीड रोल में है, यह मूवी भी पैन इंडिया पर रिलीज की जाएगी। और मेरी ओपिनियन में यह सही भी है, क्योंकि एक ही स्टोरी को दोबारा रीमेक में देखने से अच्छा है कि पूरा भारत उसे उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही देख ले। अभी भी बॉलीवुड रीमेक बनाने से पीछे नहीं रह रहा है। ये कुछ अपकमिंग बॉलीवुड मूवीज की लिस्ट है जो कि साउथ मूवीज की रीमेक है।
हालांकि साउथ में भी कुछ बॉलीवुड मूवीज के रीमेक हुए हैं, लेकिन बहुत ही लिमिट, परंतु बॉलीवुड तो चल ही रीमेक के भरोसे रहा है। ये कुछ बॉलीवुड मूवीज हैं जिनका साउथ में रीमेक हुआ है। मुझे तो दरअसल खुद याद नहीं है कि मैंने लास्ट बॉलीवुड मूवी कौन सी देखी थी, क्योंकि जितनी भी अब नई बॉलीवुड मूवी आती हैं वो किसी ना किसी मूवीज का रीमेक होती हैं, और उन मूवीज को मैं पहले ही उनके ओरिजिनल रूप में देख चुकी होती हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि रीमेक मूवी कभी भी ओरिजिनल मूवी का काम नहीं कर सकती है। चाहे आप बॉलीवुड फिल्मों की बॉलीवुड में ही रीमेक की बात कर लें, सलमान खान स्टारर मूवी जुड़वा, हालांकि वो भी एक साउथ मूवी का ही रीमेक थी, लेकिन जिसका भी रीमेक किया गया जिसमें वरुण धवन, जैकलिन फर्नांडिस और तापसी पन्नू लीड रोल में थे। और मुझे नहीं लगता कि ये मूवी किसी को भी देखने जानी चाहिए थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि ये मूवी बनाई ही क्यों गई थी। अगर मैं बात करूं अमिताभ बच्चन स्टारर मूवी डॉन और शाहरुख खान की डॉन की, तो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि अमिताभ बच्चन की डॉन कहाँ थी और शाहरुख खान वाली जो डॉन मूवी थी वो कहाँ थी। नानी स्टारर मूवी जर्सी हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है। सेम वही स्टोरी, सेम वही सीन, सेम वही डायलॉग के साथ में फिल्म देखने थिएटर जाना पैसे वेस्ट करने वाली बात होगी, लेकिन अगर आप शाहिद कपूर के फैन हैं तो बेशक आप फिल्म देखने जा सकते हैं। साउथ इंडस्ट्रीज में अभी जो भी मूवीज आ रही हैं वे सभी सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे और समाज में जो घटनाक्रम हो रहे होते हैं उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश करती है। अगर साउथ इंडस्ट्री अपनी सभी मूवीज को पैन इंडिया पर रिलीज करने लगे, लाइक जय भीम, पुष्पा द राइज, RRR, बाहुबली, तो हम पूरे भारत के लोग उन मूवीज को उनके ओरिजिनल फॉर्म में देख पाएंगे और बॉलीवुड भी कुछ नई स्टोरी लिखने में मेहनत करेगा। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सी मूवीज ज्यादा अच्छी लगती हैं, बॉलीवुड मूवीज या साउथ की मूवीज।